हरियाणा में आज पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर वोटिंग हो रही है। ऐसे में अंबाला में जिला परिषद चुनाव को लेकर शांतिप्रिय ढंग से मतदान हो रहा है। कई बूथ जो संवेदनशील थे उन पर भी अभी तक शांतिप्रिय ढंग से वोटिंग हो रही है। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर काफी जोश भी नजर आ रहा है। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिले में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली। चुनाव बढ़िया चल रहा है, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। सबका विकास सबका साथ के नारे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। कल्याणकारी योजनाएं हैं लोगों के लिए, आगे भी जो बचे हुए काम हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। सभी लोग सरकार से अनेक कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। अभी तक जो गांव की बात करें तो कितना मुद्दे, कौन कौन से मुद्दे जो है जो बचे हुए विकास कार्य कराने गाँव में? मुद्दे तो वैसे तो गाँव में कोई है नहीं मुद्दे। चलो छोटा मोटा मुद्दा होगा गलियों नालियों का, वो भी पूरा किया जाएगा। तो आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? हाँ हाँ, जीत के प्रति आश्वस्त। छत्ती बरादरी का सहयोग और समर्थन पूरा मिल रहा है पूरी तरह। किसको प्रतिद्वंदी मान रहे हो आप? प्रतिद्वंदी तो कोई है ही नहीं हमारे साथ। प्रतिद्वंदी तो मतलब ही नहीं है प्रतिद्वंदी का। तो एक तरफा चुनाव मान? हाँ, एक तरफा चुनाव है। सभी लोगों का, छत्तीस बरादरी का सहयोग मिल रहा है पूरा तन मन से। वहीं रेवाड़ी जिले में भी वोटिंग हो रही है। जिला परिषद के 18 वार्डों में जहां 133 प्रत्याशी मतदान में हैं, वहीं 7 पंचायत समितियों में 142 वार्डों में 627 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लोगों में सुबह से ही मतदान को लेकर खासा उत्साह है। बावल के साबन गांव में बूथ नंबर 44 पर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। ज्यादातर महिला मतदाता वोट डालने के लिए पहुंची। दोपहर 12 बजे तक रेवाड़ी जिले में 23% मतदान हुआ। वहीं सरपंच और पंच के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी। चरखी दादरी में भी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जिले के 165 गांवों के 439 बूथों पर जिला परिषद के 11 और पंचायत समिति के 88 वार्ड में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी। हालांकि शुरुआती चरण में कई गांवों में बूथों पर ईवीएम मशीनें खराब होने के कारण मतदान देरी से शुरू हुआ। जिले भर में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिप्रिय मतदान प्रक्रिया चल रही है। दोपहर 1 बजे तक दादरी जिले में करीब 35% तक मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। अभी हम कम से कम 50-60 बूथ दौरा किए हैं, तो हर जगह ऐसी भीड़ भाड़ की थोड़ी आई शिकायत है। अदरवाइज ऐसी कोई भी समस्या सामने जिले में शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। पता आती है कौन कौन आते हैं, लेकिन जब चेक किया जाता है तो वो कैंडिडेट्स आपस में तनाव होता है। कोई कंपटीशन के चक्कर में फोन कर देता है कि यहाँ फोकस हो रहा है, संवेदनशील अति संवेदनशील जो बूथ हैं उनको लेकर उन पे जो नॉर्म के हिसाब से एक्स्ट्रा बुला चल रखे हैं, उसके अदर अलावा भी हमने जो हमें लगता है कि यहाँ संवेदनशील के अलावा भी अगर कहीं हमें लगता है कि झगड़ा होने का शंका है तो वहाँ पे रिजर्व वगैरह एक्स्ट्रा लगा रखे हैं। तो वहाँ पे पर्याप्त फोर्स है ताकि कहीं भी कोई भी घटना आपकी घटना ना हो। शांतिपूर्ण मतदान के लिए बिल्कुल बिल्कुल 100%। बता दें कि चुनाव वाले जिलों में सीएम मनोहर लाल खट्टर का जिला करनाल है, गृह मंत्री अनिल विज का जिला अंबाला भी शामिल है। राज्य के 9 जिलों में 1357 जिला परिषद और पंचायत समिति के पदों पर 5953 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन पदों पर 25,89,270 लोग मतदान करेंगे, जबकि 12 नवंबर को इन्हीं 9 जिलों में पंच और सरपंच के लिए वोट डाले जाएंगे। सत्य खबर हरियाणा के लिए अंबाला से कृष्ण पाली की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।